दोस्तों अभी हम दरभंगा के एक जो गांव है जहाँ पे हमारा स्कूल है, ये अति पिछड़ा कन्या विद्यालय करके है, प्लस टू आवासीय विद्यालय है जिसमें हम काम करते हैं एज ए टीचर। 10 प्लस 2 में ही है। अभी फ्लैट है वहाँ पे, लेकिन अभी इतनी गैदरिंग हो गई है यहाँ पे तीन तीन स्कूल आने की वजह से, तो ये एक गांव है, यह जगह का नाम है बाढ़ पोखर, और स्कूल जाने का ये एक रास्ता है जो थोड़ा सा ये हल्का सा जंगल टाइप का लग रहा है, लेकिन ये जंगल नहीं है, बगीचा है। और सारे बच्चे इधर से ही जाते हैं। अभी प्लस टू वाले जो शिक्षा विभाग का स्कूल है उसमें कुछ बच्चे दिखाई दे देंगे, जैसे वो साइकिल से जा रहे हैं। और हमारा जो विद्यालय है वो आवासीय है, तो बच्चे उसी में रहते हैं। दस मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है स्कूल का, स्कूल तक पहुंचने का 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। एक और रास्ता है जो रोड से होकर गुजरता है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमावदार है, तो इसलिए हम इधर ही से निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये गांव के बाहर से एक निकल रहा है रास्ता, शॉर्टकट है। काफ़ी अच्छा विद्यालय है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विद्यालय, जो हमारा विद्यालय है, वो हर ज़िले में सरकार का प्रोविज़न है, प्रावधान है ये कि हर ज़िले में एक विद्यालय हो। तो अभी बहुत सारे विद्यालय अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, बन रहे हैं, और जहाँ बने हुए हैं, जैसे ये दरभंगा वाला पहले से बना हुआ है, तो जहाँ बने हुए हैं वहीं पे उन जगहों के भी टीचर को भेज दिया गया है जहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे हमारा सिवान ज़िला पड़ता है, लेकिन वहाँ पे अभी बिल्डिंग बन रहा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है शुरू में, और इसको तकलीफ़ क्या बोलेंगे, अच्छा है, कम से कम स्ट्रगल नहीं है, सुकून है कि हम जॉब में हैं, और ये बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं होता है, इतना चलता है। इससे भी बहुत भारी भारी आदमी स्ट्रगल किया है, तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी गुजारी है, तो ये तो कम से कम सुकून की ज़िंदगी है कि हम कहीं पे जॉब में हैं। ये जो विद्यालय सामने दिख रहा है कलर में, ये शिक्षा विभाग का स्कूल है। बच्चे यहाँ पे भी आ गए हैं, और ठीक इसी के पीछे हमारा विद्यालय है जो कि एक आवासीय विद्यालय है। देखिए अभी 3 मिनट से ही ज़्यादा हो रहे हैं, और मैं इससे, इस जो अभी बगीचा है, इस बगीचे से मैं काफ़ी आसानी से यहाँ तक आ गया, तो काफ़ी अच्छा है ये शॉर्टकट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बताएंगे और जो अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।